छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी और उसी क्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी, एयरपोर्ट पर ही लंच करेंगे और उसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 1:35 पर जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे। कुछ देर रुकने के बाद अमित शाह भिलाई के लिए रवाना होंगे, पंडवानी गायिका उषा बारले के घर पहुंचेंगे। यहां पर करीब 20 मिनट तक रुकने वाले हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम आखिरकार पहुंचने वाले हैं और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से मेगा आयोजन यहां पर। गृहमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और उस कार्यक्रम के बाद सीधे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। 50,000 से अधिक की भीड़ उस आम सभा में होगी। पंडवानी गायिका है पद्मश्री उषा बारले जी, संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत उनसे संपर्क के लिए देश के गृह मंत्री जी का जाना निर्धारित हुआ है। और दुर्ग में जिस जगह पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और उस हेलीपैड का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून को आगमन होने जा रहा है और मैं जिस जगह में खड़ा हूं यह है भिलाई का जयंती स्टेडियम का मैदान, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हेलीपैड बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसकी सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं। एक दिन पूर्व ही इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और कुछ देर के बाद में इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा और यहां पर किसी के आने और जाने की अनुमति नहीं होगी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। वे इस हेलीपैड में करीब 1:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में वे सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए प्रख्यात पंडवानी गायिका उषा बारले के निवास सेक्टर 1 पहुँचेंगे और सेक्टर 1 के बाद में वे सीधे जो है वो दुर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ भाजपा का सम्मेलन आयोजित होना है। करीब 2:10 में वे दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में पहुँचेंगे, जहाँ पर वे सभा को संबोधित करेंगे और करीब 3:15 बजे इनकी वापसी होगी। इनके आगमन को लेकर सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इनका आगमन जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। इधर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के तहत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल बालाघाट पहुंच रहे हैं। अमित शाह का रोड शो यहां पर होना है और शाह बालाघाट में करीब 2 घंटे के लिए रुकेंगे, पहले रोड शो और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की जनसभा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रखी गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर बालाघाट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा का जिम्मा 1,000 जवानों के हाथों में थामा गया है। इधर शाह के दौरे की तैयारियों को देखने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी बालाघाट पहुंच चुके हैं। 9 वर्षों में जो भारत में विकास हुए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम खड़े व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित किया है, उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे 1 महीने के संगठनात्मक कार्यक्रम किए हैं। उसी के संदर्भ में जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल बालाघाट होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके आगमन की सबको बहुत खुशी है और यहाँ पर जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि अमित शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो जाएगा। ये भी कहा कि गौरव यात्रा की शुरुआत भी होगी। पहुंचा हूं, हमारा सौभाग्य है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता आम जनता जनार्दन उनको अति उत्साह है कि माननीय गृह मंत्री देश के ताकतवर नेता कल बालाघाट पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तो माननीय अमित शाह जी यहाँ से आगाज करेंगे और उनके स्वागत की तैयारी के लिए लाखों लोगों को कल यहाँ संबोधित करने वाले हैं। स्वागत की तैयारियों में एक एक कार्यकर्ता जुटा है उमंग और उत्साह के साथ। आप देख रहे हैं मैं अभी
निकल करके आ रहा था, आज मैं विशेष तौर पर इसलिए पहुंचा हूं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। चुनावी संखनाद के लिए बालाघाटी चुना गया, ये सियासी रूप से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अमित शाह जी छिंदवाड़ा आए थे, अब बालाघाट आ रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने पूरे मध्य प्रदेश का एक एक कोने पर उनका फोकस है, इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी आगाज है। और इस दिशा में माननीय गृह मंत्री जी कल यहाँ रानी दुर्गावती जी को लेकर के एक यात्रा का शुभारंभ भी करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री 27 को जब शहडोल पहुंचेंगे भोपाल आने के बाद, वो यात्रा वहां समाप्त होगी और पूरे 5 यात्राएं जो शुरू होंगी मध्य प्रदेश के अंदर, उन यात्राओं का भी शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी यहाँ से करेंगे। क्योंकि रानी दुर्गावती जनजाति आदिवासी क्षेत्र में सबके लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। 24 को उनकी जन्म जयंती है, इसलिए उस नाते से भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि को मनाती आई है। इस नाते से वो यात्रा भी यहाँ से शुभारंभ होगी और पूरे क्षेत्र में घूम करके 27 को प्रधानमंत्री जी के दौरे के समय उसका समापन होगा। इसलिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए।